Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है आचार्य पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी, जो इस कार्यक्रम में आपके राशियों के साथ साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं के साथ आपकी परेशानियां जो भी रही हैं उनके निवारण के लिए विशेष उपाय बताते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, यदि आप पूजा करते हैं और उसका आपको फल नहीं मिल रहा है पूरा, तो क्या उपाय अपनाए जाए, किस तरीके से पूजा विधि रहे कि आपको पूरा फल मिल पाए। 12 राशियों की बात करेंगे, साथ में इसी उपाय के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो गुरु जी, हम 12 राशियों की तो बात करेंगे, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि पूजा का फल पूरा नहीं मिलता है, तो क्या ऐसा भी होता है कि हम कुछ गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं, या हमारी पूजा की विधि में कोई कमी रह रही है कि जिससे ये फल में कमी आती है? जी बिल्कुल, कई चीजें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं चलता कि कार्य हमें करना है या नहीं करना। हम देख रहे हैं कि ये हमारे जानकार कर रहे हैं या हमारे बड़े कर रहे हैं, तो हम वैसे ही करते चले जाते हैं। लेकिन पूजा, ये सबको पता, भाव भाव जरूरी है, तो सबसे मेन तो भाव है। लेकिन उसके बाद जो विधि है, विधि अगर हम अच्छी तरह करें, जैसे भगवान को हम करके करते हैं पूजा, कि कहीं कोई गलती हो जाए, पाप ना लग जाए, दरअसल इस तरीके से डर के कोई चीज नहीं हो सकती। तो आप भगवान को एक फ्रेंड बना के, एक मित्र बना के, जैसे सुदामा के इस तरह से एक मित्र बना के आप पूजा करें। और गलती गलती अगर कोई गलती हो जाती है तो डरे नहीं कि पाप लगे, भगवान है, बच्चे हम, उनको अगर गलती होती है तो माफ करेंगे। बस हम ये कोशिश करेंगे कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दे, हमारा अच्छी तरह से ध्यान रखें, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसे क्षमा करें। तो गलती हम करते हैं तो गलती हो जाती है, पर हम डर के पूजा ना करें। दूसरा, पूजा जैसे आप मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में अगर आप जा रहे हैं, जैसे मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। जी जी। छोटी है कि एक बुढ़िया माई थी। जी। वह बुढ़िया माई प्रतिदिन मंदिर में जाती, और मंदिर में आने के बाद उसे घर में पूछते कि मंदिर में आप पूजा करते हो, आप तो बहुत दिनों से जा रहे हो, आप तो बहुत ही, आपको पुण्य मिल रहा हो। कहने, क्या पुण्य मिल रहा है, मंदिर में इधर उधर की बातें करते रहते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं और वो कीर्तन करते हैं, भजन करने के बाद इधर उधर की बातें करते हैं। तो उनको फिर पंडित जी ने कहा कि आप एक काम करें, आप कल आना, तो आपको पूजा की विधि बताएंगे। फिर वह दूसरे दिन गई, लोटा भर के कल दे दिया बिल्कुल ऊपर तक, और कहा कि आप है ना इसको हाथ में रख के पूजा करें, और ध्यान रखें ये पानी है ना छलके नहीं, गिरे नहीं। फिर उन्होंने लोटा हाथ में लिया, जल का पूरा ऊपर तक भरा हुआ, और पूजा करी जी। और वो ध्यान रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि माता जी, क्या आज भी कोई इधर उधर की बात, कोई चुगली, कुछ ऐसा हुआ? कह रहे, नहीं नहीं आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो बहुत अच्छी मेरी पूजा हुई और आपके मंदिर में कुछ भी नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा कि माता जी, नहीं, जो प्रतिदिन चल रहा था आज भी वैसा ही चला, आज भी वही बातें हुई, लेकिन आज आपका ध्यान इस लोटे की तरफ कि इसमें जल हल्के ना। तो इसी प्रति जब हम जाते हैं, इसी तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारा ध्यान केवल भगवान की तरफ होना चाहिए जी। हमारा ध्यान जिस कार्य पे गए सिर्फ उसी पे होना चाहिए, तो उस पूजा का विशेष फल मिलेगा। जैसे कि कई चीजें, तो आजकल नकली घी आ रहा है, बत्तियां नकली आ रही है, अगरबत्ती नकली आ रही है, तो कोशिश करें कि हम जो घी हम खाते हैं वो शुद्ध घी हम भगवान को चलाएं। घी की जोत जलाने से, तेल की जोत जलाने से इससे अच्छा उत्तम और किसी भी चीज को जलाना, धुआं, दीप और जलाना कोई भी उत्तम नहीं है। घी और तेल, तिल का तेल ले लें, सरसों का तेल ले लें, घी जैसा हम यूज करते हैं मिलता है अच्छा मार्केट में, वो उसका उसकी जोत जला सकते हैं। कोशिश करें कि धूपबत्ती, अगरबत्ती, इनको हम ना जलाएं, जलाएं तो अच्छी वाली है। एक अगरबत्ती में आजकल
कई अगरबत्तियों में बांस की लकड़ी होती है, तो हिंदू धर्म में ये है कि हम बांस नहीं जलाते। अब हमारे पुराने जो किताबें हैं, जो हमारे हमारे जो ऋषि थे ना, वो हमारे ऋषि थे, हमारे साइंटिस्ट थे, एक्चुअली उनको साइंटिस्ट कहा जाएगा, वो रिसर्च करते रहते थे। तो उसमें जो अगरबत्ती है, हमारी पुरानी जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है कि इससे पितृदोष होता है। अब पितृदोष के सिम्टम्स क्या बताए गए हैं? पितृदोष के सिम्टम्स ये बताए गए हैं कि घर में कलेश, रोग, पैसे की हानि। और आज साइंस भी यही कह रहा है कि अगरबत्ती जलाने से, यानी वो जो बांस जल रहा है, बांस जलाने से नकली जो धूपबत्ती जी, इनके जो लेट्स निकलते हैं वो हमको ट्यूमर, कैंसर जैसी बीमारियां दे देते हैं। अब उससे क्या होगा, आदमी घर में बीमार होगा तो पैसे की हानि होगी, कलेश, ग्रह कलेश अपने आप ही बनेंगे। तो जो चीज हमारी पहले जो ग्रंथ कहते हैं वो चीज कह रहे हैं, तो हम घी का तेल का, तिल के तेल का दिया और कुछ भी नहीं है, तो भगवान को जल चढ़ा के, हाथ जोड़ के और पुष्प चढ़ा के हम आ सकते हैं, वो भी काफी। तो इस तरीके से हम पूजा करें भगवान से ना डर के, कि उनको मित्र समझ के, माता समझ के, उनको पिता समझ के। माता पिता अपने बच्चों को श्राप दे सकता है क्या? नहीं। तो इसी प्रकार अगर कोई गलती बन गई तो भगवान कभी पाप नहीं देते, लेकिन आप डर के करोगे तो गलती होगी। तो डर के ना करें, उनको मित्र, उनको सखा, उनको माता पिता भाई बंधु समझ के उनकी पूजा करें, आपको पूजा का विशेष फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये तो मतलब ऐसा सरल सीधा उपाय है कि ये उपाय है ही नहीं। आप जो कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा जिसे आपको बंद करना है, बहुत सरल तरीके से भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे है भी ऐसा ही, डर के लोग पूजा ज्यादा करते हैं, डर से पूजते हैं भगवान को। तो ये तो बहुत उपाय तो क्या हुआ, ये तो एक तरीके से सरल हो गया कि भाव अच्छे रखें और एक्स्ट्रा जो हम बाजार वाली चीजों को यूज कर रहे हैं उनको नहीं करें। तो दर्शकों, ये आपने देखा कि आचार्य जी ने जो निर्देश दिया है कि किस तरह के भाव रख करके भगवान को पूजना है कि विशेष फल आपको मिले। तो चलिए आगे प्रोग्राम बढ़ाते हैं, हम बाकी राशियों की भी बात कर लेते हैं कि आज 12 राशियों का साप्ताहिक भविष्यफल कैसा रहने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई मंत्रोपचार हो वो भी हम जानेंगे आचार्य जी से। तो गुरु जी, मेष, वृष और मिथुन, इन तीनों की बात करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं मेष के साथ में। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह किस तरीके से रहने वाला है? बिल्कुल आज निरंजन जी, मैं आपको बहुत छोटे छोटे उपाय बताऊं जी, जिससे आसानी से लोग कर सके और उसका उनको विशेष फल। जैसे मेष राशि, तो मेष राशि का उपाय बताते हैं। किसी भी प्रकार के पूजा करते वक्त मेष राशि वाले डार्क कपड़े, जैसे काले, बिल्कुल नीले, इस तरह जो डार्क कलर है, ऐसे कपड़े ना पहने, और वह भगवान का ध्यान करें और शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जाप करें प्रतिदिन सुबह उठ के 5 बार। उनका उनके कार्य जो रुक रहे हैं वे धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। चलिए गुरु जी, ये हुई बात मेष राशि वालों की, उनको क्या विशेष उपाय अपनाने। अब वृष राशि वालों के लिए जानना चाहेंगे। वृष राशि वाले भगवान शिव जी, जैसे मेष राशि वालों के लिए बताया ऐसे ही पूजा करें, लेकिन वह शिव जी के ऊपर एक रुद्राक्ष का जी बीज रख के, माला होती है ना, माला ले ले जी, माला रख के और उसमें गंगा जल की धार से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। फिर दूध से, दूध दही शहद जो पंचामृत है, इनसे भगवान को निलाए, फिर साप जल से निलाए और फिर उसको रुद्राक्ष को धो के उसको गले में धारण कर ले। उनके जो कार्य है वह जल्दी बनने लगेंगे, हेल्थ भी उनकी ठीक होने लगेगी। तो गुरु जी, ये बात रही वृष राशि वालों की। अब मिथुन राशि वालों के लिए उपाय। मिथुन राशि वाले क्या करें कि कोशिश करें अपने वस्त्रों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं, चाहे रुमाल हो गया, चाहे पैन हो गया, कि हरे का कॉम्बिनेशन रखें इस सप्ताह। अच्छा, उनको हरे से काफी लाभ मिलेगा।
गाय को वे पालक खिला सकते हैं, एक बुद्ध का मंत्र कर सकते हैं। बड़ा मंत्र तो मैं नहीं बताऊंगा, नॉर्मल आजीवन छोटा सा मंत्र बताऊंगा, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। इस मंत्र से उनको बहुत लाभ मिलेगा जी। तो ये बात रही मिथुन राशि वालों की। अब कर्क राशि वाले, कर्क राशि वाले, कर्क राशि वाले तीन दिन सुबह उठे, उठ के भगवान नारायण सूर्य देव का ध्यान करें, जो सुबह सुबह की जो धूप है उसमें भगवान को अर्घ दे। अगर कोई व्यक्ति, जैसे काफी व्यक्ति है उनकी रात की नौकरी है, वह सुबह नहीं आ सकते, तो वह सिर्फ भगवान को देख लें, उनके शरीर से सूर्य देवता स्पर्श हो जाए उनकी किरण, और वह मूंग होते हैं ना, मूंग साबुत जी, मूंग जी, मूंग की दाल साबुत, उसकी पोटली बना के, और वह जो पोटली है वह तेल मांगने वाले को दे दे जी, तो उनके कार्य बनने लगेंगे। अब गुरु जी बात करते हैं सिंह राशि वालों की, उनके लिए क्या विशेष उपाय? सिंह राशि वाले, उनके लिए बहुत अच्छा और छोटा सा सुलभ उपाय ये है, शंख ले, शंख में जल भर ले जी, रात्रि में जल भर के रखे, और उस शंख के जल को सुबह लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति है उनके चरणों में, उनके चरणों को धोए उस जल से, सिर्फ चरणों को, पूरी मूर्ति नहीं धोए, सिर्फ चरणों को, चरणों को धोए और उस जल को ये ग्रहण करें, ओम नमो भगवती वासुदेवाय का यह जाप करें, तो इनके कार्य बनने लग जाएंगे, और रुकी हुई जो रुकावटें हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, वह भी धीरे 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 बनने लग जाएंगे जी। गुरु जी ये बात रही सिंह राशि वालों की। अब कन्या राशि के जातक, वो क्या विशेष उपाय अपनाएं? कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही मैं सुलभ उपाय बताऊं, छोटा सा उपाय जी। यह कन्या राशि वाले भगवान ब्रह्मा जी को जी, जरूरी नहीं, ब्रह्मा जी की मूर्तियां बहुत कम है जी, तो ब्रह्मा जी का ध्यान करें, और ब्रह्मा जी के लिए मीठा, कुछ मीठा बर्फी हो सकता है, लड्डू हो सकते हैं, घर में कुछ हलवा वगैरह बना ले या खीर बना ले, और वो ब्रह्मा जी के निमित्त ध्यान करके जो मांगने वाले भिक्षुक होते हैं उनको दे, और गायत्री मंत्र का जाप करें, इनके कार्य बनने लगे। गुरु जी बीच में अब रोकना चाहूंगा, ये हम छह राशियों की बात कर चुके हैं, अब दर्शक हमारे को मेल कर रहे हैं अभी, तो उनका भी एक मेल ले लेते हैं। ये हैं अरुण ठाकुर, बिहार सीतामढ़ी से इनका सवाल है, अभी अगर पॉसिबल है तो हम इनका सवाल ले पाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 जनवरी 1973 1173 का इनका जन्म है, दिन के 1 बजे का, करियर से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। अरुण ठाकुर हैं बिहार सीतामढ़ी से, इनका सवाल यही है कि इनके करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव है, तो किस तरीके से, क्या इन्हें कुछ विशेष उपाय अपनाने हैं कि करियर के इस उतार चढ़ाव से बचा जाए? इनके लिए विशेष उपाय ये है कि ये है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी मंत्र का जी, ये इस पर टिक्की माला ले सकते हैं, इस पर टिक्की माला को लेके ऊन का आसन बिछा के उसमें ओम यादेवी सर्वभूतेषु अष्ट लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः, डेली एक माला इसकी करें, सामने लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की मूर्ति रखें, उनके आगे भोग की कटोरी रखें, और फिर उसको ग्रहण कर लें, अपने परिवार जनों को ग्रहण कराएं, और जैसे ही पूजा पे से खड़े होते हैं वैसे ही टोटल, तो हम कोई भी जाप करते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ ऊन का आसन है, सबसे श्रेष्ठ आसन, और भी श्रेष्ठ है पर ऊन का आसन अधिक श्रेष्ठ बताया। तो जैसे ही हम जाप करके उठे
तो वह आसन तुरंत उठा ले, क्योंकि हम आसन से हट जाते हैं और आसन बिछा रहता है, तो वह जाप हमारे कहते हैं कि उस जाप का कुछ भाग इंद्र को चला जाता है जी। तो उससे बचने के लिए हम जैसे हटे उसको आसन को तुरंत पलट ले। अच्छा, उससे हमें जाप का पूर्ण फायदा मिलेगा। और ये हाँ जी, ये इस मंत्र का जाप करें 108 मंत्र प्रतिदिन का, एक माला में 108 बीज होते हैं, तो एक माला इनको प्रतिदिन करनी है और धीरे धीरे इनको लाभ होगा। और इनके पास में जो भी मंदिर होगा उसमें लक्ष्मी नारायण, अगर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नहीं तो राधा कृष्ण की मूर्ति, इनको वस्त्र पहनाए और उससे इनको विशेष लाभ हो। तो अरुण जी, उम्मीद करते हैं कि आप इस विशेष उपाय को करके अपने आने वाले समय को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। दर्शकों, अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नीचे फ्लैश हो रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आचार्य जी के विशेष उपाय और दिशा निर्देश प्राप्त करके आप आने वाले समय को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो गुरु जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं बाकी की 6 राशियों की, जो है तुला, वृश्चिक और धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो शुरुआत तुला से करते हैं, तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, क्या विशेष उपाय उन्हें अपनाना है? राशि वाले गेंदे की फूल की माला को लेकर भगवान नारायण को डेली एक सप्ताह तक, महीने तक पहनाए, और फिर जी दूसरे दिन जब दूसरी माला पहनाने जाए तो वे जो माला उतारे उसको घर ले आए जी, और घर लाके वो जो गेंदे के फूल है उनको, अगर गमले वगैरह है तो उनमें डाल लें, क्यारी है तो उनमें डाल लें, नहीं तो अगर नहीं है तो उसका विसर्जन खुद करें, कोई खाली जगह हो कहीं वहां उसको रख दें, किसी मिट्टी में दाब दें। दरअसल क्या है ना कि हमारे जो भी मैं कह रहा था ना कि हमारे पुराने ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे, रिसर्च करते रहते थे जी, ये जो गंगा है, यमुना है, इसमें पूजा की जो चीजें डालने को बताइए ना, पहले इतनी चीजें नहीं होती थी। हम जाप करते थे, चौकियों पे ग्रह मंडल बनाते थे, दाल के अनेक ग्रहों के मंडल बनाते थे, सर्वतोभद्र आदि, तो उनमें घी मिला के उनको बनाते थे, तो ये खाने की चीज हो गई दाल। हाँ। जो ग्रह जैसे बुध है तो उसकी हरी दाल ले ली, गुरु है तो पीली दाल ले ली, चंद्रमा है तो चावल ले लिए। तो फिर इनको जब पूजा होती थी तो हम इकट्ठा करके इनको यमुना में, गंगा में, नदी सरोवर में डालते थे। अब वहां हाँ, क्या तो करते वो थे, जो आगे जीव वो उनको खाते थे, तो हम कोई हाँ, भी चीज हमारी वेस्ट थी नहीं। लेकिन आज हम बाजार के चक्कर में बत्ती का पैकेट ले आए, अगरबत्ती का पैकेट ले आए और पन्नियां भर भर के यमुना में फेंकने लग गए, तो ये जी, हमको जी, उल्टा करने की बजाय पुण्य की जगह हम पाप ले रहे, पाप कमा रहे, गंगा गंदी कर, तो यह हमने बिल्कुल गलत कर दी। तो उसका विसर्जन करें, जमीन में गाड़ दें जी। और जी, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज पूजा की, हवन की, पन्नियों में भर के और इस तरह की चीजें, प्लास्टिक, पॉलोथीन, अगरबत्ती के पैकेट, ये तो कूड़ा हो गया, ये यमुना में ना डाल। बिल्कुल, इससे पूजा का लाभ की जगह पूजा के लाभ पापी मिलेगा। तो दर्शकों, ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके की पूजा सामग्री जो आप बाजार से खरीद रहे हैं उसको पॉलिथीन में पैक करके किसी भी पवित्र गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो उसमें किसी में नहीं डालना है, उसे आप जमीन में गाड़ सकते हैं। तो गुरु जी, आगे बढ़ते हैं, हमने बात कर ली तुला की, वृश्चिक राशि वाले जातक इस सप्ताह क्या विशेष उपाय अपनाएं? वृश्चिक राशि वाले हनुमान जी के आगे सिंदूर, चमेली का तेल, इनका चोला चढ़ा है हनुमान जी, उनको इसका विशेष लाभ मिलेगा। मंत्र ओम हनु 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 हनुमते नमः, इसका उपाय करें। अब जैसे हम फिर कह रहे हैं, अब सिंदूर लाएंगे, सिंदूर भी पैकेट शीशी मिली, तो इनको पूजा की सामग्री में ना डालें, ये पैकेट वगैरह तो कूड़े में डालें,
और कोशिश करें कि आजकल जो पैकेट आ रहे हैं इनमें भगवान की फोटो बनी हुई है, ऐसे पैकेट खरीदे ही नहीं जिनमें भगवान की फोटो है। खुला खुला सिंदूर खरीद ले। तो भगवान को अर्पण करें और वह ओम हनु हनुमते नमः का जाप करें। जी चलिए गुरु जी, ये बात हुई वृश्चिक राशि वालों की। अब धनु राशि के वाले जातक कैसे इस सप्ताह को बहुत अच्छा बना सकते हैं? धनु राशि वाले जातक भगवान राम का ध्यान और सूर्य अर्घ दे और ओम नमो नारायण, या तो ये इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार और उनके जो कार्य हैं वे बनने लग जाएंगे। मैं देख रहा हूँ धनु राशि का यह सप्ताह काफी अच्छा है जी, अगर ये उपाय करेंगे तो और अच्छा निकलेगा जी। तो धनु राशि वाले जातकों आपके लिए बहुत खुश होने की वजह आचार्य जी ने बता दी, सप्ताह बहुत अच्छा है, आप इसे और भी अच्छा बनाने के लिए उपाय अपनाएं। तो अब बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की जी। मकर राशि वाले शनि भगवान की शनिवार के दिन संध्या के समय जी, शनि भगवान एक काला कपड़ा ले ले, उसका रुमाल के बराबर का, उसमें थोड़े से कोयले, लकड़ी वाले कोयले, उसमें थोड़ा सा तेल डाल ले, उसमें काले साबुत उड़द रख ले, साबुत नमक रख ले, एक कील रख ले, एक सिक्का डाल ले और थोड़ी सी रुई डाल ले और उसकी पोटली बना के शनि मंदिर में शनि भगवान की मूर्ति के आगे रखें। ओम शन शनिश्राय नमः, ओम शन शनिश्राय नमः, शन शनिश्राय नमः इस मंत्र का वे जाप करें, उनके कार्य थोड़ा लेट बनेंगे, परमानेंट बने, फिर बनने के बाद वे कार्य, मतलब ये नहीं कि बना फिर उसमें थोड़े कम विघ्न आया जी या थोड़ी परेशानी आ गई, बनेंगे जैसे आज आज बने, आज की जगह कल बनेंगे पर परमानेंट बनेंगे जी। तो मकर राशि वाले आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के उपाय आपको अपनाने हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। तो कुंभ राशि वाले क्या विशेष उपाय अपनाएं इस बार? कुंभ राशि वाले नींबू साबुत ही होता है क्या, नींबू की माला बनाए या माला नहीं बनाए तो चार नींबू ले लें, चार नींबू लेने के बाद उस नींबू को जैसे ये लेबर होती है ना, लेबर या कहीं मजदूर मजदूर वाले जो, हाँ जी 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 हाँ मजदूर, हाँ जी, इनको वे चार नींबू या चार नींबू तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा कितने मर्जी, एक पाव, एक किलो, सवा किलो, कितने भी ले सकते हैं, ये मजदूर वर्ग के लोगों को दे, उससे इनको बहुत लाभ मिलेगा जी। हाँ जी हाँ जी, ये उनका उपाय है, उससे इनको बहुत लाभ मिलेगा, यही उपाय उनको काफी कारगर होगा। हाँ, मतलब आपको कुंभ राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए आचार्य जी का निर्देश ये है कि मजदूर वर्ग के लोगों को नींबू जितने भी अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से उपहार स्वरूप दें तो आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। अब आखिरी राशि की बात करते हैं गुरु जी, जो है मीन, उनका क्या विशेष उपाय उन्हें अपनाना है इस सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए? मीन राशि वाले क्या करें, अपने यदि अगर कोई गुरु बना रखे हो तो गुरु, नहीं तो जो भी उनके पास में जो मंदिर हो या जिन पंडित जी को बुलाते हैं उन पंडित जी को बुला के उनको अगर हो सके तो परिवार से ही, नहीं तो खाली पंडित जी को भोजन कराए, भोजन करा के उनको अगर हो सकता है तो उनको वस्त्र वस्त्र दें और वस्त्र देने के बाद उनके जैसे वो आते हैं तो उनके चरण धोएं और उनको वस्त्र दान करें तो उनका काफी, और ये लगातार नहीं करना, ये महीने में एक बार कर सकते हैं, साल में एक बार कर सकते हैं, उनके काफी कार्य बनने लगेंगे और उनके जो रुके हुए कार्य हैं वह भी ठीक हो जाएंगे। मंत्र मंत्र का अगर वे जाप करना चाहें तो वे मंत्र का जाप ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जी ये हुई अंतिम राशि मीन राशि के जातकों की बात। ये हम बात कर रहे थे साप्ताहिक भविष्य फल की, कि सप्ताह में क्या उपाय अपनाने, लेकिन
गुरु जी ने जो उपाय बताए ये आप अपने दैनिक जीवन में हमेशा शामिल करके आप पूरे संपूर्ण जीवन में आप अपनाएंगे तो शायद अपने भाग्य की जो रुकावटें हैं जो उसको बहुत अच्छे से दूर कर पाएंगे। तो दर्शकों उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा, विशेष तौर से जो कि पूजा विधि उन्होंने गुरु जी ने बताई है कि किस तरीके से सरल पूजा विधि अपना करके बिना आडंबर के बिना किसी टोटके के आप अगर करते हैं भाव से सरल भाव से करते हैं तो शायद आपको अच्छा फल उसका मिलने वाला है। अगर आपके भी कोई सवाल हैं आप हमें वार्तालाप टीवी पे भेज सकते हैं, लाइक करें आप हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा आपको अपडेट मिलती रहेगी। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो में यार विशेष तरीके की जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.